मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में एक फरार आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में बैतूल एसपी सिद्धार्थ चौधरी और कोतवाली टीआई को हटाया गया है। उन्हें सेनानी 8वीं वाहिनी बिसलवल छिंदवाड़ा भेजा गया है। इधर मामले को लेकर बुधवार को बैतूल के पांचों भाजपा विधायक मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले थे। इस दौरान उन्होंने जिले में पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं होने की बात कही थी। दरअसल 3 माह पहले 15 नवम्बर 2023 को हफ्ता वसूली को लेकर युवक को कमरे में बंद करके उसे निर्वस्त्र कर छत से उल्टा लटकाकर बेल्ट और लकड़ी से पीटा गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये जो अभी पूर्व में जो वीडियो हुआ था उसमें कायमी हुई, उसके पश्चात एक आरोपी सोहेल है उसकी गिरफ्तारी की गई थी, और जो चेंट उर्फ सोहराब और एक तब्बू नामक जो युवक है उसकी आज दिनांक को गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मैम, अभी इसमें और कुछ गिरफ्तारी होना बाकी है, कब तक हो पाएगा? अभी एक और जो नामजद आरोपी था रिंकेश चौहान, उसकी गिरफ्तारी बची है, और अन्य उसके जो साथी हैं उनकी अरेस्टिंग भी बची है, तो जल्दी इनको भी गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जाएगा।